आ हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। क्या मैं ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र बिराजे। हाय गाइस, जैसे कि आज मेरा बर्थडे है, आज है जुलाई 10 सैटरडे और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मैं न्यू कुर्ता पहन के रेडी हो चुकी हूँ। मैं हर साल अपने बर्थडे पे शिव जी का दर्शन करने जाती हूँ शिव मंदिर। तो यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है कोटिलिंगेश्वर नाम का, बेंगलोर से 80-60 किलोमीटर के अंदर है और हम लोग आज जाने वाले हैं उधर दर्शन करने के लिए शिव जी का। तो मैं सबका वीडियो बनाऊंगी क्या क्या किए एक दिन में, मेरा बर्थडे कैसे गया और वो मंदिर का दर्शन कैसे किए, सब मैं वीडियो बनाऊंगी। आप लोग देखते रहेगा, जो भी देखे हैं वो जगह तो सही है, नहीं देखेंगे तो आप देख सकते हैं। और चलते हैं फिर, रास्ते में मिलूंगी, स्टे ट्यून्ड। तो क्या हुआ, मैप के सहारे हमें चलना नहीं चाहिए एक्चुअली, ओनली मैप के सहारे। देखते देखते हम रास्ता भटक गए हैं, NH पे आ रहे थे, पता नहीं एक रोड आया और फिर उधर से लेफ्ट दिखा रहा था आ गए और ये पता नहीं कौन से जगह पे आ गए हैं। उधर उधर चले गए थे हम, उधर बहुत दूर चले गए थे, उधर एक गांव भी हुआ था, गांव भी एक था तो उसके अंदर चले गए थे। फिर एक लड़के को पूछे कि कहाँ पर है, वो बोले कि मेन रोड, अभी हमें मेन रोड जाना पड़ेगा। हम खाए भी नहीं है कुछ, मंदिर दर्शन करके ही खाने वाले थे, तो चलते हैं फिर, अभी फिर से मैप के सहारे ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का तो बहुत दूर आ गए हैं बेंगलोर से, तो हमें यहाँ का रोड तो पता नहीं है। चलते हैं मंदिर पहुँच के, मैं फिर से बनाऊँगी वीडियो, तब तक के लिए टाटा। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं कोटिलिंगेश्वर। अभी भगवान को दर्शन करने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, तो इसलिए एटलीस्ट हम 100 किलोमीटर कुछ आ गए होंगे बाइक से, क्योंकि रास्ता भी बीच से भटक गए हैं। अभी एंट्री कर चुके हैं, इधर है सब लिंग वगैरह, उधर वो मंदिर सब कुछ है, हम जा रहे हैं, मैं सब कुछ दिखाऊँगी। इधर मन्नत मांगाई जाती है, मैं बहुत बिलीव करती हूँ, बिलीव करूँ ना करूँ, मुझे मन्नत मांगना बहुत पसंद लगता है। जिधर भी मैं ऐसा तरफ कुछ देख लूँ ना, मुझे तुरंत ही ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कुछ मन्नत मांगूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ उसमें मन्नत मांगने के लिए। और ये मंदिर सब हम दर्शन कर चुके हैं, अब इतने सारे यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होते हैं ऐसा कहा जाता है, मैं तो नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ, सॉरी। और दिखा, इधर भी देख लीजिए कितना मस्त जगह है, इतना पीसफुल है, अभी इतना भी कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं, अभी तो आफ्टरनून का टाइम भी हो गया है तो इसलिए। और ये देखिए, ये है मेन कोटिलिंगेश्वर का मंदिर का रास्ता, उधर से आना पड़ता है, लेकिन ये है उसका मेन द्वार जो बोलते हैं। देखिए ये है वो शिवलिंग जिसके नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है ये जगह। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग है, बहुत बड़ा है, यहाँ से दिखने से फोटो से कैमरा से यहाँ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप नीचे से देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा। और ये देखिए, जिधर भी आप आंख फेर लो ना, सब जगह शिवलिंग ही शिवलिंग है, बहुत सच में करोड़ों में शिवलिंग है इधर। और इधर एक नंदी महाराज का भी है स्थापना, और मुझे ऐसा लग रहा है मम्मियों को यहाँ पर लाया जाए ना तो ये उनका फेवरेट प्लेस हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी शिव जी मेरे फेवरेट गॉड है, नहीं गॉड तो सारे फेवरेट होते हैं लेकिन शिव जी को मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ। धूप बहुत है, यहाँ आना है तो भी प्रेफरेबल टाइम होगा, सुबह ही आना चाहिए क्योंकि बहुत अभी धूप स्टार्ट हो गया ना तो बहुत गर्मी है, मतलब खाली पैर जा रहा है, पूरा इतना लग रहा है कि पैर जल जाएगा, तो प्रेफरेबली मॉर्निंग में आना ही सही है या फिर थोड़ा जब बादल वगैरह हो तब चलते। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये यहाँ माना जाता है कि ये जो है शिवलिंग जो है ये इंद्र जी को कोई सांप मिला है, सांप क्या बोलते हैं उसको, वो मिला था, अभिशाप मिला था तो उसको ये करने रिमूव करने के लिए वो शिवलिंग स्थापित किए थे, तब से ये इधर से है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सुबह आना चाहिए चलेगा। उधर लगा कि उधर शिवलिंग खत्म हो गया लेकिन इधर देखिए और भी करोड़ों में शिवलिंग है, जिधर भी उधर पूरा लास्ट तक पता नहीं इधर से दिखाई दे रहा है कि नहीं, और भी बहुत ज़्यादा शिवलिंग है, बहुत इधर छोटा छोटा मंदिर है, इतना बड़ा स्पेस है और जिधर भी आकर उठा लो उधर शिवलिंग है, बहुत मज़ा लग रहा है। इधर एक नंदी महाराज है, इधर भी एक छोटा तो नहीं बोला जाएगा लेकिन वो जो शिवलिंग है उधर से थोड़ा छोटा है, बट छोटा है उधर से, बट है बहुत बड़ा शिवलिंग, पता नहीं कितना दूर है। और जिधर भी देखो करोड़ों में, पूरा करोड़ों में ही यहाँ पर शिवलिंग है। 12 बज गया है, घर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, फिर यहाँ पर देखिए छोटा छोटा बहुत सारे शॉप है, भगवान का मूर्ति और जो शिवलिंग वगैरह सब यहाँ पर मिल रहा है, कोई बच्चे होते तो यहाँ पर दौड़ के चले जाते शॉपिंग, सारा भी है कुछ कुछ।
तो अभी हम लोग बहुत ट्रैवल करके आ गए हैं मॉल थोड़ा, क्योंकि इतने टाइम से मॉल नहीं आए थे, कब कुछ भी नहीं खुला था ना यहाँ पर, ये फॉनिक्स मॉल है। और अभी वहाँ पर थोड़ा खाना पीना करेंगे क्योंकि पेट में सब कुछ दौड़ रहा है, और थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फिर जाएंगे घर। और क्या क्या करती हूँ मैं आज मेरे बर्थडे के दिन, मैं बताऊँगी सब। अभी ये पत्नीदेव को लूटना है, क्योंकि ईयरली दो ही दिन आता है लूटने के लिए, एक आता है बर्थडे और एक आता है एनिवर्सरी, तो आज ये लूटने वाले हैं। और पहले खाने जाते हैं, बाय बाय, खाने के बाद फिर मिलते हैं ना। इतना भूख लग गया है ना, अभी फिर 1 आवर को स्वेट किए, क्योंकि अभी एक बर्गर ही आया है हाथ में, और उसको सिंगर विंगर कुछ ऑर्डर किया नहीं आया है, आएगा अभी, वेट किए हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको, देखने से लगेगा नहीं कि करोना नाम का कुछ चीज़ है दुनिया में, इतना भीड़ है, इतना भीड़, हमें कोई ऑर्डर के लिए भी वेट करना पड़ रहा है, बट और सीट के लिए दिखाती हूँ, कोई बताएगा कि ये कोरोना है या क्या है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं। मैं अपना एक्चुअली माइक भूल गई, तो अभी हम लोगों का क्या है, लॉलीपॉप सिजलर भी आ चुका है, चिकन लॉलीपॉप सिजलर, अभी हम इसको एंजॉय करेंगे ढेर सारी से। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, 2-3 आवर से मैं अपने लिए शाम के लिए कुछ कपड़ा ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो पेट निकल आ रहा है, तो पता नहीं अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो चुका है मैं शाम में क्या पहनूंगी, क्या खरीदूंगी, जो मिनीशो से कुछ कुछ और जो टी शर्ट वगैरह कुछ टॉप वगैरह वो पसंद आ रहा है तो वो ले लूँगी, मिनीशो से कुछ ले ली हूँ, और ऐसा कुछ भी छोटा मोटा खरीद चुकी हूँ, लेकिन जो मैं जिसके लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ उसके लिए कुछ नहीं मिलता है। तो अभी मैं इसलिए वीडियो का इस टुडे आई मीन अभी का ब्लॉगिंग का मैं एंड करने वाली हूँ अभी इस वीडियो का, इसलिए मैं बना रही हूँ वीडियो। तो बाय बाय गाइस, इवनिंग का जो वीडियो रहेगा वो मैं एक दूसरे वीडियो में डालूंगी, वो नेक्स्ट वीक आएगा या फिर दिस वीक ही आएगा, तो ये नेक्स्ट वीक आएगा, तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी के लिए दिस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और बाय बाय गाइस, बी सेफ, टाटा, या